एक अच्छे एसपी की मदद से मेरे को एक मास्टर्स ऑफ अप्लाइड कंप्यूटिंग जैसे टॉप लेवल प्रोग्राम में 75% के नीचे भी एडमिशन मिल गया है। और आप किसी भी एजेंट से बात करेंगे या एजेंसी से बात करेंगे तो आपको यही बोलेगा कि यार मास्टर्स के लिए तो 75 चाहिए ही चाहिए या उससे अबव चाहिए। सो हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में वी विल डिस्कस एवरीथिंग रिलेटेड टू द एसओपी। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एसओपी, एसओपी हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द रेज्यूमे, एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एसओपी, लेंथ उसकी, एंड व्हाट क्वेश्चंस टू आंसर, एंड देन हम डिस्कस करेंगे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स रिलेटेड टू द एसओपी। अगर आप वो फॉलो करेंगे तो आपका एक ग्रेट एसओपी एक परफेक्ट एसओपी में कन्वर्ट हो सकता है। एंड फाइनली, व्हाई आई डोंट प्रेफर एन एक्सपर्ट फॉर राइटिंग दिस प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स लाइक एसओपी एंड लेटर ऑफ इंटेंट। सो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस? स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपका वो डॉक्यूमेंट है जो आप किसी एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में भेजते हैं, डिफाइनिंग योर पर्सनैलिटी, योर इमोशंस टुवर्ड्स दैट कोर्स एंड टुवर्ड्स दैट यूनिवर्सिटी, एक्सप्लेनिंग योर प्रोफेशनल एंड एकेडमिक क्वालिफिकेशंस। एंड ये रेज्यूमे से कैसे डिफरेंट है? रेज्यूमे में आप सिर्फ पॉइंटर्स देते हैं, लाइक ब्रीफ होता है कि वन लाइनर्स की आपने क्वालिफिकेशंस क्या क्या करी हैं, आपके पास अचीवमेंट्स क्या क्या हैं, बट एसओपी के अंदर आप सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं कि हाउ डू यू फील अबाउट इट, व्हाट इज यूनिक अबाउट यू अदर देन द कैंडिडेट्स, और आप क्या स्पेशल ब्रिंग करेंगे उस यूनिवर्सिटी के अंदर। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इज द ओनली डॉक्यूमेंट इन विच यू कैन पुट योर पर्सनैलिटी इन फ्रंट ऑफ देम। अगर आपके बारे में कुछ नेगेटिव भी है, आपको लगता है कि आपकी प्रोफाइल के बारे में कुछ नेगेटिव है, बट यू हैव एन एक्सप्लेनेशन फॉर दैट और यू हैव अ ग्रेट एक्सक्यूज फॉर दैट, सो आप एसओपी के अंदर वो उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं एंड उसके बारे में काउंटर पॉइंट रख सकते हैं कि यस आई हैव दिस नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, मेरे लिए मेरे 75% एक नेगेटिव था कि बाकी कैंडिडेट से मेरा कॉम्पिटिशन में थोड़ा वीक था 75% को लेके, बट मैंने उसको ढंग से एक्सप्लेन किया कि इन फर्स्ट ईयर आई वॉज अनएबल टू परफॉर्म, बट कमिंग ईयर्स में सेकेंड एंड थर्ड ईयर में मैंने 83% स्कोर किया या मैंने 85% स्कोर किया एंड कम बैक किया, दो माई ओवरऑल परसेंटेज इज जस्ट स्टिल 75, 78, 74, एनीथिंग दैट यू विल हैव, एंड बट आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने एसओपी के अंदर। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एन एसओपी, आपको लिखना किस तरह है कि आपकी कोहरेंसी एंड फ्लुएंसी मेंटेन रहे आपके एसओपी के अंदर। ऐसा ना हो कि आपने कोई पैराग्राफ स्टार्ट किया एंड नेक्स्ट पैराग्राफ आपने कुछ और ही लिखना शुरू कर दिया। पहले आप अपनी जॉब क्वालिफिकेशंस या आपके वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बता रहे हैं एंड एकदम से नेक्स्ट पैराग्राफ आप अपनी पर्सनैलिटी के बारे में, अपने बारे में शुरू कर दिया बताना, तो वो थोड़ा अजीब हो जाएगा। सो हमें कोहरेंसी मेंटेन करनी है एंड एक पैराग्राफ स्ट्रक्चर मेंटेन करना है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे हर एक पैराग्राफ के बारे में लिखना है। सो फर्स्ट पैराग्राफ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड योर मोटिवेशंस। तो इसके अंदर आपको बस अपने बारे में बताना है कि आप कहाँ से आते हैं, वन लाइनर्स के अंदर सब कुछ, कहाँ से आते हैं, आपकी फैमिली में कौन कौन है, एंड इस प्रोग्राम और इस कोर्स को करने के लिए आपकी मोटिवेशन क्या है। इस मोटिवेशन के अंदर आप कुछ ऐसा नहीं बोलेंगे कि आपने अपनी बीटेक में, अंडर ग्रेड में, अपनी ग्रेजुएशन में क्या क्या पढ़ा था, इसमें बस आप वो बताएंगे कि एक नेसेंट मोटिवेशन क्या थी आपकी, कि फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को देखा था या आपका कोई रोल मॉडल है उसको देख के आपको मोटिवेशन लगी, आपके एम्बिशंस जनरेट हुए कि भाई मेरे को ये कोर्स करना है। सो सेकंड पैराग्राफ आपका होगा समराइज योर ग्रेड एंड अंडर ग्रेड करियर। तो इसके अंदर आप अपनी ना सारी 10th एंड 12th एंड अंडर ग्रेड एंड ग्रेड की अपनी डिग्री के बारे में बता सकते हैं कि आपने कहाँ से बैचलर्स करी है, आपने अपनी सेकेंडरी एंड पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन कहाँ से ली है, एंड इस अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं है तो आप इसके अंदर अपने कॉलेज में करे हुए एक दो प्रोजेक्ट के बारे में बता सकते हैं इसी सेम पैराग्राफ के अंदर, बट कीप इट ब्रीफ, उसको छोटे में बताइए, ज़्यादा डीप में मत जाना कि आपने प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या किया था, आपका रोल क्या था, जस्ट प्रोजेक्ट को ऊपर ऊपर से बता दो कि भाई आपने ये प्रोजेक्ट किया था एंड इस फील्ड में किया था। इन दो पर्टिकुलर पैराग्राफ्स के बाद आपका थोड़ा एसओपी फ्री फ्लोइंग हो सकता है। इसका मतलब है कि आप अपने बारे में, अपनी क्वालिफिकेशंस के बारे में किसी भी पैराग्राफ की फॉर्म में बता सकते हैं, बट इसको कैसे करेंगे आप, इसको मैं बता देता हूँ। पहले आप शुरू करिए कि आपने कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स करे हो, कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स आपने अपनी हैकाथॉन में प्रिपेयर किए थे या आपने कोई कॉम्पिटिशन में पार्ट किया था, आपने कोई करिकुलर एक्टिविटी में इस कोर्स रिलेटेड कोई करिकुलर एक्टिविटी में पार्ट लिया था तो उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें फिर सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ आएगा रिसर्च पेपर के बारे में, अगर आपने और आपकी टीम ने मिलकर कोई रिसर्च पेपर किया था तो वो एक एडिड पॉइंट्स की तरह काम कर सकता है। जरूरी नहीं है कि आपका रिसर्च बेस्ड कोर्स हो पर तभी आप रिसर्च पेपर के बारे में बताएंगे, अगर आपका कोर्स बेस्ड है तब भी रिसर्च पेपर एक आपकी एडवांस क्वालिफिकेशंस के बारे में प्रूफ की तरह आता है कि हाँ इसको एडवांस नॉलेज है इन टॉपिक्स के बारे में एंड ही इज एलिजिबल फॉर द मास्टर्स कोर्स। सो एंड इसके बाद आप फिर अपनी
इंटर्नशिप्स के बारे में बता सकते हैं। इंटर्नशिप्स में फिर आपको डीप में नहीं जाना है, जस्ट इंटर्नशिप की हेडिंग क्या, इंटर्नशिप थी कहाँ पर थी, आपका रोल क्या था एंड आपको वहाँ से सीखने में क्या क्या मिला, या ये फोर लाइन्स में आपको सब कुछ खत्म कर देना है। एंड ये चीज़ ध्यान रखिए, मैं टिप्स में भी कंटिन्यू कवर करूँगा, बट किसी भी पैराग्राफ को बहुत लंबा मत खींचिए, मैक्सिमम 6 लाइन्स 7 लाइन्स 8 लाइन्स एंड 8 to 10 पैराग्राफ में एसओपी को खत्म करिए। एंड फिर आप अपनी जॉब, अगर आपके पास जॉब एक्सपीरियंस है तो एक पैराग्राफ के अंदर आप अपने सारे जॉब एक्सपीरियंस एंड रोल सेम इंटर्नशिप की तरह आप डिफाइन कर सकते हैं। देन आएगा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ कि आप इस कोर्स से, फॉर एग्जाम्पल मेरा मास्टर्स ऑफ अप्लाइड कंप्यूटिंग कोर्स है, तो इस कोर्स से आप क्या गेन करना चाहते हैं। तो मैं फिर मैंने अपने मास्टर्स ऑफ अप्लाइड कंप्यूटिंग के अंदर बताया था कि भाई मैं गेन करना चाहता था स्टैटिस्टिकल लर्निंग के लिए, डाटाबेस मैनेजमेंट के लिए, एल्गोरिथम डिजाइन के, ये मैं कोर्सेज लर्न करना चाहता था। और इसके लिए आप सिर्फ ये मत बोलिए कि यार मैं लर्न करना चाहता था और या मैं इन कोर्सेज के बारे में जानता हूँ तो मैंने सिर्फ लिख दिया एसओपी के अंदर। एग्जाम्पल दीजिए कि भाई आपने कोई इंटर्नशिप करी थी, आपने कोई प्रोजेक्ट किया था, उसके अंदर आपको ये लगा कि यार ये जो कोर प्रोजेक्ट्स हैं इनकी जो नॉलेज है वो मैं अभी लैक करता हूँ, एंड इसको और सीखने के लिए, इसके बारे में और डिटेल में जानने के लिए मैं ये मास्टर्स कोर्स करना चाहता हूँ। इस पर्टिकुलर पैराग्राफ से पहले कि आप इस यूनिवर्सिटी के कोर्स से क्या गेन करना चाहते हैं, आप ये भी बता सकते हैं कि आपके पास किस किस चीज़ की नॉलेज ऑलरेडी है। तो अपनी बैचलर्स के अंदर आपने कोई जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट सीखे होंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने प्रोग्रामिंग इन जावा या C++ सीखी थी, तो मैं ऑलरेडी वो बता सकता हूँ कि मेरे पास इस मास्टर्स प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर और नॉलेज ऑलरेडी है। तो ये एक एडिशनल पैराग्राफ है, लिखना या ना लिखना आपकी मर्जी है, बट मैं बोलूँगा कि भाई अगर आपके पास स्पेस है एंड आपके बाकी पैराग्राफ में, फॉर एग्जाम्पल आपके जॉब एक्सपीरियंस नहीं है जैसे मेरे पास नहीं था, तो एक पैराग्राफ बच गया तो उसमें आप ये ऐड कर सकते हैं। देन आप लिखेंगे कि भाई एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के अलावा आपने क्या क्या किया है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी कॉलेज टीम का वॉलीबॉल का कैप्टन था, तो मैं उसके बारे में लिखा। मैंने एक गेमिंग इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, मैंने अपने कॉलेज के फेस्ट में एक ऑर्गेनाइजर था मैं। तो आप ये सब चीज़ें अपने एसओपी के अंदर लिख सकते हैं एक पैराग्राफ के अंदर समराइज करके, वन लाइनर्स। आपने किसी एनजीओ के साथ काम किया हो, आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी इंस्टीट्यूट के साथ काम किया हो, आप वो सब एक पैराग्राफ के अंदर सब कुछ डिटेल में लिख सकते हैं। सो लास्ट पैराग्राफ के अंदर जो कि आपका एक कंक्लूजन पैराग्राफ होगा, इसके अंदर आप लिखेंगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर का एनवायरनमेंट या यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर जहां पर है वहां का एनवायरनमेंट, फॉर एग्जांपल मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर विंडसर के अंदर ऑन्टारियो के अंदर है, तो मैं वहां लिखूंगी भाई उसका एनवायरनमेंट मेरे को कैसे हेल्प लग करता है। तो ऑन्टारियो के अंदर बेस्ट इंजीनियर्स, बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं, तो मैं उसके बारे में लिखा कि भाई उसका एनवायरनमेंट मेरे को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करने में हेल्प करेगा इंजीनियर्स को, प्रोफेशनल्स को एंड टीचर्स को, जो कि मेरे को किसी और प्रोविंस के अंदर शायद ना मिलता या किसी और कंट्री के अंदर ना मिलता। तो मैंने इस तरह उसके बारे में लिखा। एंड एक या दो लाइन के अंदर आप ये बता दीजिए कि आप स्टूडेंट कोहोर्ट के अंदर या स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनियंस के अंदर आप अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे दे सकते हैं या आपकी पर्सनैलिटी उनसे कैसे मैच करती है। एंड लास्ट लाइन में सिंपली आप एक बेसिक कंक्लूजन लाइन लिख सकते हैं कि भाई आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द रिजल्ट्स ऑफ माय एप्लीकेशन, आई होप टू ज्वाइन द स्टूडेंट कोहोर्ट ऑफ द स्टूडेंट यूनिवर्सिटी ऑफ --, व्हिचएवर यू आर अप्लाइंग टू। तो इस तरह आप अपने एसओपी के स्ट्रक्चर को खत्म कर सकते हैं। एंड इस पैराग्राफ के अंदर मैंने एक सैंपल एसओपी भी इंक्लूड किया है जिसके अंदर आपको ये सब मेंशन होगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ उस एसओपी के अंदर आपको कैसे मैंने लिखा था और आप कैसे स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं। सो लेट्स कम टू द स्ट्रक्चर। अभी स्ट्रक्चर में आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि फर्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ क्या होगा, मैंने रेस्ट ऑफ द 6 पैराग्राफ्स अपने प्रोफाइल के हिसाब से चूज करे हैं एंड अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से चूज करे हैं। आप ये 6 पैराग्राफ्स में से जो इंपॉर्टेंट है उनको सेम लेके बाकी अपनी प्रोफाइल के हिसाब से चूज करिए, कि हो सकता है आपके पास इंटर्नशिप एक्सपीरियंस ना हो एंड जॉब एक्सपीरियंस हो, तो इंटर्नशिप्स वाला कॉलम हटा के सिर्फ जॉब वाला ऐड कर लेना, या आपके पास हैकाथॉन एक्सपीरियंस ना हो, रिसर्च पेपर ना हो, तो ऐसी जो मैंने पिछले पहले वीडियो में आपको दिखाया था कि क्या क्या क्वेश्चन आप कौन से करने हैं, तो उनमें से कोई आप क्वेश्चन पिक करके इंपॉर्टेंट वाला यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में। एंड एम मैं ये बोलूंगा दूसरी बात कि फ्लो आप यही रखिए, आप अपना पैराग्राफ कुछ भी लीजिए, आप क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं वो कुछ भी लीजिए, बट जो पॉइंटर्स हैं इसी तरह बनाइए, उससे क्या होगा आपका फ्लो मेंटेन रहेगा, आप भूल नहीं जाएंगे लिखते लिखते कि भाई मेरे को लिखना क्या था, आपकी कोहरेंसी एंड फ्लुएंसी मेंटेन रहेगी। तो इसमें देखते हैं हम, तो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में पहले आप अपनी एक इंट्रोडक्टरी लाइन देते हैं, रिगार्डिंग योर फील्ड कुछ भी दे सकते हैं कि हाउ डिड यू केम अक्रॉस योर फील्ड और उसमें क्या चीज़ें थी जो आपको पसंद आई, एंड आप अपनी इंस्पिरेशन, जैसे मैंने आपको पहले बताया इंस्पिरेशन कुछ भी, इंस्पिरेशन में कुछ भी रोल मॉडल पर्सन यू नो, या आपको कुछ ऐसी, आपने कोई ऐसी टेक्नोलॉजी देखी हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने AI देखी तो मुझे प्रोग्रामिंग से प्यार हो गया, ऐसा कुछ आप बोल सकते हैं। तो या आप आपके स्कूल में पढ़ाया गया था, जैसे मेरे स्कूल में HTML पढ़ाई गई थी, तो मेरे को HTML देख के कोडिंग अच्छी लगने लग गई थी, ऐसे आप कुछ भी बता सकते हैं। फिर एक दो लाइनें और लिख दीजिए
कि भाई आपको प्रोग्राम क्यों पसंद है एंड आप क्या लर्न करना चाहते हैं, ये सब समराइज करना वन वन लाइन में आपको, क्योंकि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है एंड ये डिजायर्ड ये प्रोग्राम से आपको क्या चाहिए होगा आपके करियर के अंदर, ये आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है। देन सिमिलरली मैंने हर एक पैराग्राफ के आपको पॉइंटर्स दे दिए, आप कहीं पर भी अपना पैराग्राफिक मेंशन करके सेम पॉइंटर्स लिख के कर सकते हैं। एंड बट मैं ये बोलूँगा कि आप अभी स्ट्रक्चर यही मेंटेन करिए, या आपको हो सकता कुछ भी आपको नहीं भी लिखना हो बट एक तरह से एक बार पॉइंटर्स बना लीजिए ताकि लिखने में आसानी हो। उसके बाद ये आपका स्टेप वन रहेगा कि पैराग्राफ चूज करना, सारे 1 to 8 या 1 to 10 जितने भी आपके पैराग्राफ होंगे उन्हें चूज करना एंड देन उनके अंदर लाइंस लिखना, एक हेडिंग्स लिख देना कि आप क्या लिखने वाले हैं इस पैराग्राफ के अंदर। देन स्टेप टू एक्चुअल में स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना, ठीक है, ये मेरा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, मेरे प्रोफाइल के सबसे डिजाइन किया है, मैंने खुद किया है एंड मेरी क्वालिफिकेशंस लिखी हैं। आप इसको देख के इंस्पिरेशन ले लीजिए कैसे लिखना है, कैसे सेंटेंस फॉर्मेशन करनी है, और मैं भी बहुत कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ लिखने में बट मेरे को इससे सक्सेस मिला है, आपको भी मिल सकता है। स्टेटमेंट्स देख लीजिए कैसे लिखते हैं, किस तरह क्या क्या मेंशन करना है, किस तरह पैराग्राफ फॉर्मेशन करनी है, बट कॉपी मत कीजिए। कॉपी आई थिंक प्लेजरिज्म चेक होता है, मेरे को बहुत लोगों ने बताया कि प्लेजरिज्म चेक होता है, चेक हुआ तो आप प्रॉब्लम में आएंगे, तो उसको बचने के लिए आई थिंक मत ही कॉपी कीजिएगा, बिल्कुल सेम टू सेम लाइंस इंस्पिरेशन ले लीजिए, दोनों पैराग्राफ्स दोनों पेजेस को पढ़िए कैसा आपको लग रहा है, अपने हिसाब से ढालिए उसको, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है एंड स्क्रीनशॉट वगैरह लेने की जरूरत नहीं, जूम की प्रॉब्लम आपको दिख नहीं रहे होंगे उसकी कोई दिक्कत नहीं है, मैंने डिस्क्रिप्शन में दोनों स्ट्रक्चर वाला डॉक्यूमेंट एंड ये एक्चुअल स्टेटमेंट ऑफ पर्पस दोनों दे दिए, आप वहां से उठा के इसको पढ़ सकते हैं और इनसे इंस्पायर हो सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो मैंने मिस कर दिए थे वो आप इंक्लूड कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने अब ये 8 पैराग्राफ्स है या 9 पैराग्राफ्स है, जरूरी नहीं है 8 पे ही आपको कंस्ट्रेंट करना है अपने आप को, आप 10 तक जा सकते हैं 12 तक जा सकते हैं बट पेजेस की लिमिट आप 2 ही रखिए या 2.5 रखिए, इससे ऊपर मत जाइएगा। एक वर्ड लिमिट 1200 आप लेके चल सकते हैं, वैसे कोई वर्ड लिमिट होती नहीं है, अगर है तो वो मेंशन करेंगे जिस भी आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं। तो आप ये कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन आप ऐसे आंसर कर सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर फैकल्टी मेंबर हो जिनसे आपको जिसके अंडर आप स्टडी करना चाहते हैं, या उन्होंने ऑलरेडी कोई ऐसी रिसर्च करी हो, ऐसा सब्जेक्ट वो पढ़ाते हो जिसके अंदर आपकी रुचि है या आपका इंटरेस्ट है, तो आप उसके बारे में एक पैराग्राफ के अंदर मेंशन कर सकते हैं, दो लाइनों के अंदर मेंशन कर सकते हैं सेम पैराग्राफ में जहां पर आपने मेंशन किया था कि आप इस पर्टिकुलर कोर्स से आप क्या गेन करना चाहते हैं, और आप क्या बता सकते हैं यार आप कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे इस प्रोग्राम के अंदर। जरूरी ये गिव एंड टेक प्रोसेस है, तो वो आपसे पूछना चाह रहे हैं या आपसे वो जानना चाह रहे हैं कि जो आप हम आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं आप उस यूनिवर्सिटी को कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे, आप उसकी यूनियन स्टूडेंट यूनियन ज्वाइन करके किस तरह कुछ अच्छा करेंगे, या आपके पास ऐसी क्या क्वालिटीज हैं कि वो किसी एक दूसरे स्टूडेंट के ऊपर आपको लें, तो आप उसके बारे में बता सकते हैं कि आपने कुछ ऐसा वर्क किया है या आपको एडिशनल एक्सपीरियंस ऑलरेडी है, या आपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं जो बाकी स्टूडेंट्स नहीं बनाते हैं, या आपकी कोई ऐसी ऐप थी। फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ सॉफ्टवेयर्स के बारे में बता सकता हूं क्योंकि मेरे को दूसरी फील्ड्स की नॉलेज नहीं है, आप ऐसी सिमिलर एनालॉजीज अपने लिए भी लिख सकते हैं अपने एसओपी के अंदर। तो सॉफ्टवेयर में आप लिख सकते हैं आपने कोई ऐप क्रिएट की हो या वेबसाइट क्रिएट किया हो तो उसका कोई यूजर बेस है ऑलरेडी, 10,000 पीपल ने उसको यूज कर रखा है, तो एक एडिशनल एक आपके लिए बेनिफिट की तरह बन के आता है जो कि दूसरे स्टूडेंट्स के पास वो एक्सपीरियंस नहीं होगा। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करते हैं, तो फर्स्ट टिप होगी राइट प्लेन इंग्लिश। आपको जार्गन्स आपको टेक्निकल वर्ड्स यूज करने की जरूरत नहीं है, स्पेशली हम सॉफ्टवेयर फील्ड वाले अपनी लैंग्वेजेस को बताते बताते बहुत ही ज्यादा डीप चले जाते हैं। आपको अपनी लैंग्वेजेस लाइक जावास्क्रिप्ट, जावा, पाइथन, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसके बारे में बताना है तो उसको डीप में मत जाइए, जार्गन्स मत यूज करने बैठ जाना कि भाई हमने ये लाइब्रेरी हमने नोट जेएस हमने मोंगोडीबी यूज किया था, बस उसको लैंग्वेज का नाम लीजिए एंड उसका क्या रोल था आपके प्रोजेक्ट के अंदर वो बताइए सिंपल वन वन लाइनर्स में। एंड प्लेन इंग्लिश आपको कई बार ना हम इम्प्रेस करने के चक्कर में सीधा गूगल पे सिनोनिम सर्च करते हैं और हैवी वर्ड्स ऐड करने की कोशिश करते हैं, वो सबकी कोई जरूरत नहीं है, प्लेन सिंपल स्पीकिंग इंग्लिश यूज करिए, जो आप बोलते समय इंग्लिश में यूज करते हैं वर्ड्स वही आप उस ऐसे के अंदर आप अपना बोलिए और लिखिए। जो नेक्स्ट स्टेप होगी वो है बी प्रिसाइज एंड रिमूव रिडंडेंसी। तो कोई भी चीज़ें ना बार बार रिपीट मत करिए, अगर आप अपने आपको लगेगा कि भाई मेरा एसओपी बहुत छोटा बन गया है, लाइक एक आइडियल होता है 1200 1100 1000 वर्ड्स, आपने सिर्फ 800 600 लिखे हैं, आपका एसओपी खत्म हो गया, तो चिंता मत कीजिए, आपके पास और पैराग्राफ्स हैं, आप अपनी पर्सनालिटी के बारे में बताइए और दूसरी चीज़ों से कवर करिए, बट एक ही चीज़ को बार बार रिपीट मत करिए, या एक ही अपने प्रोजेक्ट के बारे में पैराग्राफ ही पैराग्राफ मत लिख दीजिए कि भाई अगर आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है
तो आप पूरा ही उसे एक्सप्लेन करने के लिए पूरा पैराग्राफ ही खत्म कर दिया आपने, ऐसा मत कीजिए। उससे बहुत ही एक बैड इंप्रेशन पड़ता है और उसको दिखता है कि भाई इन्होंने तो सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट किया है। आप मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स के बारे में अपना बताइए और शॉर्ट में बताइए। कुछ सिंपल और फास्ट टिप्स कि एक्रोनिम्स मत यूज करिए अगर आपके पास कुछ है, फॉर एग्जांपल जावास्क्रिप्ट के लिए, क्योंकि मेरे को उसका नॉलेज है, तो जेएस मत लिख दीजिए। जेएस किसी को नहीं पता, हमारी सॉफ्टवेयर फील्ड में सबको पता है, बट बाकी जो पढ़ रहा है शायद उसको ना पता हो। तो जावास्क्रिप्ट पूरा लिखिए। तो हर चीज के लिए एग्जांपल्स यूज करिए, सिर्फ उसको बोल मत दीजिए कि भाई आपने कुछ भी प्रोजेक्ट बनाया या आपने कोई भी मेंशन किया अपने बारे में कि फॉर एग्जांपल आपके पास लीडरशिप के स्किल्स है, तो सिर्फ बोल मत दीजिए आई हैव ग्रेट लीडरशिप स्किल्स, आई एम एबल टू मैनेज मल्टीपल पीपल एट द सेम टाइम, ऐसे बस लिख मत दीजिए। कुछ एग्जांपल दीजिए, आपने किसी प्रोजेक्ट में आप कोई लीडर थे या आपके किसी ग्रुप में आप लीडर थे, आपने कोई ऑर्गेनाइज करवाया अपने कॉलेज में कोई भी फेस्ट या कोई भी इवेंट, तो उसके बारे में लिख दीजिए। तो एक प्रूफ होगा आपके पास कि आपके पास वो स्किल है एंड आपने उसके लिए रिलेटेड कुछ किया भी है। एक लास्ट स्टेप उनके लिए जो अब तक फॉलो कर रहे हैं प्रोक्रास्टिनेशन से बचने के लिए, अगर आप सिंपल फ्री फ्लो ही लिखते रहेंगे कि भाई आज मैं ये लिख रहा हूँ और मैं कंटिन्यूशन में लिखे जा रहा हूँ, तो बहुत बार होगा एक तो आप अपना थॉट प्रोसेस भूल जाएंगे एंड सेकेंड आपको पता नहीं चलेगा भाई आपने कहाँ से शुरू करा था और एंड कैसे करें। तो पैराग्राफ हेडिंग्स डाल दीजिए एंड पॉइंटर्स लिख दीजिए कि भाई फॉर एग्जाम्पल आपने अपने इंटर्नशिप्स के बारे में बताना है, तो इंटर्नशिप की एक हेडिंग डाल दी, दिस पैराग्राफ इज अबाउट द इंटर्नशिप्स, एंड नीचे अपने 2, 1, 3 जितनी आपकी इंटर्नशिप थी उनके बारे में अपने हेडिंग्स में डाल दिया एंड अपना पॉइंटर्स में लिख दिया कि ये रोल था मेरा एंड मैंने ये अचीव किया, एंड बाद में आप उनकी सेंटेंस फॉर्मेशन करिए। तो इससे क्या होगा, आप रोज 8 पैराग्राफ है फॉर एग्जांपल, तो आप 8 दिन में अपने एसओपी इजीली खत्म कर सकते हैं। एंड देन दूसरी यूनिवर्सिटीज के लिए तो आपको स्मॉलर चेंजेस ही करने होते हैं, वो नुआंसेस के बारे में है जो आप कंप्लीट कर सकते हैं बाद में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये कि मैं एक्सपर्ट्स की हेल्प लेना क्यों नहीं पसंद करता हूँ एसओपी लिखने के लिए। सो सबसे मेन रीजन तो ये है कि उनके पास ऑलरेडी टेम्पलेट्स होते हैं, वो आपकी इन्फॉर्मेशन लेंगे एंड उन टेम्पलेट्स के अंदर फिट कर देंगे, तो क्या होता है कि आपके एसओपी या आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस यूनिक नहीं रह जाता है आपके लिए। वो एक सेम टेम्पलेट हर किसी के लिए यूज करते हैं एंड क्योंकि उनको एक मिनिमम पे मिल रहा है क्योंकि वो एक टेम्पलेट यूज कर रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चों का जो उन्होंने यूनिवर्सिटी में सबमिट किया है पढ़ने वालों के लिए बार बार रिपीटिशन हो जाता है, सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेम वर्ड्स, सेम हो सकता है आपने अपनी पर्सनालिटी के बारे में कुछ ना बताया और वो लिख रहे हो, तो उन्होंने सोचते हैं उन्होंने सबके लिए ही लीडरशिप स्किल्स लिख दिए और आपके पास वो कुछ हो ही ना, आपके पास बैकअप करने के लिए कुछ हो ना, बस उन्होंने लिख दिया है, तो वो अच्छा नहीं रहता है, वो एक बैड इंप्रेशन छोड़ता है कि भाई सबका सेम। सेकंड जो चीज़ है वो मतलब एक ऑब्वियस है बट वो आपसे पैसे लेंगे इन सब चीज़ों के लिए, दे विल चार्ज यू सम अमाउंट ऑफ मनी एंड हो सकता है कि एंड ऑफ द डे आपको जो रिजल्ट है वो सेटिस्फैक्ट्री ना लगे, तो आपके पैसे भी वेस्ट हो जाएंगे एंड आपको कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं गेन होगा। क्योंकि एक्सपीरियंस क्या है कि आप जब जो मास्टर्स करने जा रहे हैं ना, आपको लग रहा है कि प्रैक्टिकल नॉलेज है बट बहुत सारे असाइनमेंट्स मिलते हैं। अब जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स मास्टर्स कर रहे हैं आप उनसे बात करके देखिए कि वीकली असाइनमेंट्स मिलते हैं एंड हर जगह आपको ऐसे राइटिंग, प्रोजेक्ट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग यही करना है। तो अगर ये स्किल आपके पास नहीं है तो या तो आप अपने इसे ऑब्टेन कर लीजिए या इस पर काम कीजिए, क्योंकि आज तो आप इसको स्किप कर देंगे कि भाई एसओपी है कोई बात नहीं मैं किसी से लिखवा लेता हूँ, बट आगे जो पूरा मास्टर्स का प्रोग्राम है 1.5 साल का, 2 साल का या 1 साल का भी है, तो वो पूरा आपको यही करना है, असाइनमेंट्स लिखने हैं, ऐसे राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग ही करनी है। तो ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इस स्किल पे आई थिंक मैं बोलूंगा कि आप खुद ही लिखिए, एक तो आपको एक्सपीरियंस होगा और आपको पता चलेगा कि भाई स्ट्रक्चर्स कैसे फॉर्म करते हैं एंड बड़े पैराग्राफ्स कैसे लिखते हैं, तो इसकी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो मैं यही इसलिए मैं बोलूंगा कि एक्सपर्ट्स की हेल्प ना लेके 10 दिन की जगह 20 दिन लीजिए, 1 महीना लीजिए एसओपी लिखने के लिए, बट इसको खुद एक्सपीरियंस कीजिए। सो थैंक यू इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। जो सैंपल एसओपी मैंने इस वीडियो में यूज़ किया था वो मेरा खुद का है, ये मैंने खुद लिखा था एंड आपको ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नीचे। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए एंड आपको सिमिलर कंटेंट चाहिए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन हेल्प्स यू। अंटिल नेक्स्ट टाइम।